सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 38वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस पर प्रवचन सुनाना बहुत ही पुण्य की बात है। भगवान ने बहुत ही अच्छा उपदेश दिया है ज्ञान की पवित्रता के विषय में। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं यो संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। अर्थात ज्ञान के समान इस लोक में और कुछ भी पवित्र नहीं है। जब योग संसिद्ध हो जाता है तब स्वयं ही उस तत्व ज्ञान को व्यक्ति पा लेता है और अवश्य ही पा लेता है। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के सदृश, ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। पवित्र किसको कहेंगे? पवित्र तो सबसे पवित्र तो परमात्मा ही है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलाणाम च मंगलम, ये भीष्म जी ने कहा है महाभारत में ही कि पवित्रों में सबसे पवित्र तो परमात्मा ही है और मंगल करने वालों में से सबसे ज्यादा मंगल करने वाले तो परमात्मा ही है। अर्जुन ने भी 10वें अध्याय में कहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, यानी आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं और आप ही परम पवित्र हैं। तो भगवान को परम पवित्र कहा है, यानी जो हमें मुक्ति दे, जो साधन हमें मुक्ति दे, जो व्यक्ति हमें मुक्ति दे, जो पूजा हवन हमें मुक्ति दे, जो भी स्वाध्याय दान तप हमें मुक्ति देता है, जो भी ज्ञान कर्म भक्ति में मुक्ति दे, वे सब पवित्र हैं क्योंकि वे परम पवित्र जो परमात्मा है उससे हमारा साक्षात्कार कराते हैं। तो इस लोक में, यह यहां पर है, इस लोक में इस संसार में ये जो कुछ भी हमें पदार्थ मिलते हैं, जो भी हमें घटनाएं मिलती हैं, जो भी हमें प्राणी मिलते हैं, जंतु मिलते हैं, वनस्पति मिलते हैं, जो हमें संसाधन मिलते हैं, जो धन वैभव यश मिलता है, इन सब का उपयोग हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साक्षात्कार के लिए लगाना चाहिए, खुद के लिए भी और समाज के कल्याण के लिए भी। उन समाज को भी हमें प्रेरित करना चाहिए। तो वास्तव में वह समाज का कल्याण करता है, वह समाज को पवित्र करता है जो सबको परमात्मा की ओर ले चलने के लिए
सदैव तैयार रहता है और सदैव 100% अपना प्रयास करता रहता है और निष्काम भाव से करता है, बिना किसी अपेक्षा के करता है। वही ज्ञान पवित्र है जो सबको परमात्मा की ओर ले जाए, परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। वह ज्ञान, वह ज्ञान नहीं जो हमें संसार की ओर ही ले जाता हो, हमें बंधनों में ही बांध देता हो, उसे ज्ञान कहेंगे भी नहीं। परंतु सामान्य भाषा में जो लोग ज्ञान कहते हैं, तो ऐसे को भी ज्ञान कहते हैं जिससे कि हमें भौतिक उपलब्धि प्राप्त हो जाए, धन पद यश सम्मान कुछ मिल जाए, उसको भी लोग ज्ञान कहते हैं। परंतु वास्तव में तत्व ज्ञान वह है जो पवित्र है, परमात्मा जो परम पवित्र हैं उसे साक्षात्कार कराने के लिए ही हम परमात्मा में लीन हो जाएं, एकमेव हो जाएं, हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही करता है। अब भगवान कह रहे हैं इसके बाद की जो लाइन है, इसके बाद की जो पंक्ति है जिसमें कह रहे हैं कि तत् स्वयं योग संसिद्धः, कह रहे हैं जिसके योग संसिद्ध हो चुके हैं। अब इसके पहले लाइन में भगवान ने ज्ञान योग की बात की थी, अब यहां भगवान कह रहे हैं कि जिसके योग संसिद्ध हो गए, जो कर्म योगी है, जो कर्म योगी है, यानी जो अपना पूरा शरीर, अपना पूरा वैभव, सब कुछ जो है परमात्मा के नाम पर सबकी सेवा में अर्पित करता रहता है, वह व्यक्ति योग में संसिद्ध हो जाता है। तो कर्म विज्ञान योग विज्ञान में बदल जाता है अपनी पराकाष्ठा में, और योग विज्ञान में बदल जाता है तो परमात्मा उसे मिल जाते हैं, उसे परम ज्ञान मिल जाता है। और कह रहे हैं कि कैसे, वह स्वतः ही मिल जाता है, तत् स्वयं, तो यहां स्वयं इसीलिए आया है, प्रयोग हुआ है, वह स्वयं ही मिल जाता है। और यहां पर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग की तारीफ तो की है, परंतु ज्ञान योग की ओर उसे ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं, वे कर्म योग की ओर ले जाने की ही बात कर रहे हैं। इसके पिछले कई श्लोकों में 38वें श्लोक यह है, और इसके पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था कि तुम जो है गुरु के पास जा सकते हो, वहां परिप्रश्न पूछ सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, तो वैसे गुरु जो ज्ञानी हैं वे तुम्हें उपदेश देंगे। परंतु यदि गुरु ज्ञानी नहीं हुआ तो क्या पता ज्ञानी हो या ना हो, क्या पता तुम्हारी सेवा सही हो पाए या ना हो पाए, क्या पता तुम ऐसे प्रश्न पूछ सको या नहीं पूछो, और क्या पता पूछने के बाद भी कोई ज्ञान होता या नहीं होता, कौन गारंटी है। लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि यह स्वयं हो जाएगा, भगवान उससे भेजना नहीं चाह रहे हैं अर्जुन को वहां, वह तो एक विकल्प के रूप में बताया है कि वहां पर जाया जा सकता है ज्ञान के लिए, लेकिन वहां पर तो संभावनाएं जो हैं वो हाँ या ना दोनों में हैं। परंतु यहां भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग से ये प्राप्त हो जाएगा, स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, कहीं तुम्हें जाना नहीं है, यानी किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, यानी किसी साधना को करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई स्वाध्याय कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है, कोई यज्ञ हवन तप करने की जरूरत नहीं है, कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, योग तुम्हारा संसिद्ध हो जाएगा कर्मयोग से, सिर्फ कर्मयोग अपने आप में पर्याप्त, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और यह भगवान कहना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा,
और 100% प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कालेन जो है यहाँ तृतीया विभक्ति लगाई गई है, कालम शब्द का प्रयोग नहीं करके कालेन शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह तृतीया विभक्ति तब लगाई जाती है जब फल प्राप्ति की अवश्यमेव संभावना होती है। तो भगवान यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्मयोग में लग जाओ अर्जुन, तुम्हें किसी साधु संत के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी वेद पठन पाठन की जरूरत नहीं है, कहीं कुटिया में बैठकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो युद्ध के मैदान में, यहीं पर लग जाओ और यहां 100% योगी होने की संभावना है। जब आदमी निष्काम कर्म करता है, संपूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाता है, वह उसके सारे जो कर्म हैं, विचार हैं, वे सब क्रियात्मक हो जाते हैं, कर्म क्रिया में बदल जाता है, सारे विचार और कर्म सिर्फ क्रिया में ही नहीं बदलते बल्कि सब चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और वही और तत्क्षण वो हो जाता है, तत्क्षण परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसमें कुछ भी समय नहीं लगता। और बाकी सब जगह तो संभावना है और नहीं भी है, समय भी लग सकता है, पता नहीं कितने समय तक सेवा करनी पड़ेगी तब गुरु उपदेश देंगे, पता नहीं कितनी साधना, कितने जप तप करने पड़ेंगे, कितने लाखों बार जपने पड़ेंगे किसी मंत्र को। और यहाँ तो कुछ नहीं, जो कुछ भी है परमात्मा को अर्पित करो, परमात्मा से जो प्रेरणा मिलती है उसके अनुसार तुम अपने जीवन को ढाल दो और हर कर्म को उनको सौंप दो। फिर कर्म भी परमात्मा का हो गया, तुम भी परमात्मा के हो गए, तुम्हारा अहंकार भी सब परमात्मा का हो गया, सब कुछ लीन हो गया परमात्मा में। और तब यह जो कर्म विज्ञान है, यह योग विज्ञान में बदल जाएगा। और तब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने वास्तव में यहां ज्ञान योग की प्रशंसा नहीं की है, वास्तव में प्रशंसा तो कर्मयोग की ही की है, और कर्मयोग से ज्ञान योग उपलब्ध हो जाएगा। और इस प्रकार से कर्मयोग से भक्ति योग भी उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को कर्म में लगने की बात की है, संपूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित करते हुए हर कार्य को कर देना है। यदि ऐसा कर पाते हैं तो अवश्य उपलब्ध हो जाएंगे। और बाकी ये सब जितने दान तप सेवा पूजा व्रत उपवास प्राणायाम सम दम संयम जप ध्यान, ये जो कुछ भी हैं, ये सब भी पवित्र हैं। तीर्थ स्नान और क्या क्या सब पवित्र हैं, परंतु ये पवित्र क्यों हैं? क्योंकि ये सब ज्ञान की उपलब्धि कराते हैं, इसलिए ये पवित्र है। तो परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए कर्मयोग चाहिए, और कर्मयोग के लिए भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किसी महापुरुष का दर्शन करने से, उसका स्पर्श करने से, वंदन करने से, चिंतन करने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। साधु संतों के दर्शन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
उनके आशीर्वाद लेने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञानी हैं, ज्ञान से संबंधित सब कुछ पवित्र है। उसी तरह से कर्मयोग से संबंधित हर चीज पवित्र है, भक्ति से संबंधित हर चीज पवित्र है, और ये पवित्रता ही भगवान को प्रिय है, क्योंकि उसी से हम भगवान से मिल सकते हैं, उसी से हम भगवान में लीन हो सकते हैं, तब हमें अपने स्वरूप का बोध हो सकता है। यही भगवान का यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। ओम हरे।